तो जेडीयू की बैठक हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, 11:30 बजे बैठक शुरू होने वाली है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनके नाम को लेकर के चर्चाएं बहुत है कि जेडीयू के नए अध्यक्ष एक बार फिर से वो जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। नीतीश कुमार अपने घर से निकल रहे हैं, हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ में मौजूद है। निधि, नीतीश कुमार घर से निकल रहे हैं, ललन सिंह साथ में क्या? बिल्कुल अंकित, देखिए नीतीश कुमार न सिर्फ अपने घर से निकले हैं बल्कि कल जो तस्वीरें थी वही तस्वीर नीतीश सिंह और संजय झा भी मौजूद हैं और कार्यकारिणी की बैठक उसमें तय होना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नीतीश कुमार इस वक्त अपने आवास से निकल चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होनी है 11:30 बजे से और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक जिसमें मुहर लगना है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर के। और नीतीश कुमार का काफिला आपको दिखाई इस वक्त दे रहा होगा और आपको नीतीश कुमार निकल रहे हैं अपने आवास से कार्यकारिणी की बैठक के लिए और पीछे ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद हैं और कार्यकारिणी की बैठक उसमें तय होना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नीतीश कुमार इस वक्त अपने आवास से निकल चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होनी है 11:30 बजे से और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक जिसमें मुहर लगना है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर के। और नीतीश कुमार का काफिला आपको दिखाई इस वक्त दे रहा होगा और आपको और इस वक्त जेडीयू की बैठक को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है और अपडेट ये है कि नीतीश कुमार इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं ठीक 11:30 बजे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू और उसके लिए नीतीश कुमार वहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जेडीयू के लिए बहुत बड़ा दिन है, अध्यक्ष पद को लेकर कहीं ना कहीं तस्वीर क्लियर हो जाएगी तमाम कयासों के बीच और तस्वीरें आपके सामने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं नीतीश, जहां पर यह बैठक होनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कुछ ही देर में। जेडीयू की यह बहुत बड़ी बैठक है जिसमें कहीं ना कहीं पूरी पिक्चर, पूरा जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। आज दोपहर के बाद राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होनी है लेकिन उससे पहले अब से कुछ ही देर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक जिसके लिए नीतीश कुमार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं। ABP News आपको रखे आगे।